राहुल मिश्रा का क्वेश्चन है, सर आप हर स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर सेंटेंस बनाते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाइए ना प्लीज। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। राहुल मिश्रा जी, अगर आप इतना प्यारा कमेंट करेंगे तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी इस तरह का सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। या कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, पुलिस के आने के बाद चोर भागा, या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी चली। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में दो काम दिखाया जाता है, और जहाँ ये बताया जाता है कि एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यहाँ मरीज के मरने का काम पहले हुआ, डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यहाँ मेरे सेंटेंस में दो काम दिखाया गया, एक में पुलिस का आना और दूसरे में चोर का भागना। और जहाँ ये बताया गया कि चोर के भागने का काम पहले हुआ जबकि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ। तो चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई दो काम का जिक्र किया जाता है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप दो अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहला स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म और आपका दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इन दोनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किस सेंटेंस के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा जो काम सबसे पहले गुजरा है उसे हम सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, चाहे आपके सेंटेंस में वो काम कहीं भी लिखा हो, यानी वो पहला काम सेंटेंस के शुरू में लिखा हो या लास्ट में। आप जब कभी भी उसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हुआ आप उसे किसी भी सूरत में सेकेंड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे। यानी जो काम बाद में हुआ चाहे वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, आप जब कभी भी उसे ट्रांसलेट करें तो आप सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म के मदद से उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कामों का जिक्र होता है, और जहां ये बताया जाता है कि एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ, और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। और आपने ये भी सीखा कि जो काम सबसे पहले गुजरता है उसे हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से बोलेंगे, और जो काम बाद में गुजरता है उसे किसी भी सूरत में हम सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो अगर गौर किया जाए तो इसमें मरीज का मरने वाला काम पहले हुआ, डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। इसलिए जब मरीज वाले हिस्से को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम यूज करेंगे हेड के साथ थर्ड फॉर्म। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर लिखा हो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहाँ चोर के भागने का काम पहले हुआ, इसलिए जब कभी भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब हम पुलिस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बता दूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करें। यानी जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो क्या डॉक्टर वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया जाए या मरीज वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया जाए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा दोनों सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन आया है पहले, जो हमें ये बता रही है जो काम सबसे पहले गुजरा है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करें, और जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन बाद में करें। उसी तरीके से अगर लिखा हो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस के बीच में आया पहले, तो यहाँ वर्ड पहले इस बात का इंडिकेशन है कि जो काम पहले गुजरा उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा।
फिर जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर बार दो सेंटेंस के बीच में पहले नहीं आता, कई बार बाद भी लिखा होता है। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, पुलिस के आने के बाद चोर भागा, मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। तो फ्रेंड्स, अगर दोनों सेंटेंस के बीच में लिखा हो बाद, तो वर्ड बाद हमें इशारा करती है कि सबसे पहले उस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा जो काम बाद में हुआ, उसके बाद हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जो पहले हुआ। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखिए, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, यहाँ डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ और मरीज के मरने का काम बाद में हुआ। चूंकि इन दोनों सेंटेंस के बीच में आया है बाद, तो जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा, यानी मरीज मरा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को याद रखेंगे, अगर दोनों सेंटेंस के बीच में आया है पहले, तो जो काम पहले गुजरा है उसका ट्रांसलेशन पहले करना है, और अगर दोनों सेंटेंस के बीच में आया है बाद, तो जो काम बाद में गुजरा है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, यानी उसका ट्रांसलेशन एक नंबर पे करेंगे। लगता है आप कंफ्यूज हो गए, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। यहाँ लिखा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ मेरे सेंटेंस में दो काम है, पहले में डॉक्टर का आना और दूसरे में मरीज का मरना। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो काम सबसे पहले गुजरता है उसे हम किसी भी सूरत में थर्ड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में गुजरता है उसे हम सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ मेरे सेंटेंस में मरीज के मरने का काम पहले हुआ और डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ, इसलिए मरीज वाले सेंटेंस को हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, जबकि डॉक्टर वाले सेंटेंस को हम सेकेंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेशन का तरीका ये है, आपके दोनों सेंटेंस के बीच में आया है पहले, इसलिए जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है मरीज मर चुका था, तो सबसे पहले आप इसे ट्रांसलेट करेंगे और जिसका ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट हैड डाइड, यानी सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट जो है द पेशेंट, फिर मैंने लिखा हैड, उसके बाद मैंने लिखा थर्ड फॉर्म जो है डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ मेरा एक सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, अब मुझे दूसरा वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि जैसा कि आप हिंदी वाले सेंटेंस में देख सकते हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में आया है पहले, जो है एक कंजंक्शन, तो आप वर्ड पहले के लिए लिखें बिफोर, यानी आप यहाँ लिखेंगे बिफोर, उसके बाद आप दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करें जो है डॉक्टर का आना, आप कहेंगे द डॉक्टर केम, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो है द डॉक्टर, फिर आप लिखेंगे वर्ब सेकेंड फॉर्म में, आना के लिए हम बोलते हैं कम, लेकिन सेकेंड फॉर्म में हम कहते हैं केम। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस में जो काम पहले गुजरा उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले किया, और जो काम बाद में गुजरा उसका ट्रांसलेशन मैंने दूसरे नंबर पे किया या लास्ट में किया। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों सेंटेंस के बीच में आया था पहले। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाए बाद, जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, तो चूंकि इन दोनों सेंटेंस के बीच में आया है बाद, तो जो काम बाद में गुजरा है उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात याद होगा कि जो काम बाद में गुजरता है उसे हर सूरत में सिर्फ सेकेंड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, तो सबसे पहले आप मरीज मरा वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि यही काम बाद में हुआ। आप कहेंगे द पेशेंट डाइड, उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर, यानी बाद के लिए आप लिखेंगे आफ्टर, फिर आप पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यानी उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जिसमें काम पहले हुआ था, और वो है डॉक्टर का आना, आप कहेंगे द डॉक्टर हैड कम। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में सबसे पहले बोला सब्जेक्ट जो है द डॉक्टर, फिर मैंने बोला हैड, उसके बाद मैंने बोला थर्ड फॉर्म जो है कम। मैंने इस सेंटेंस को हैड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से इसलिए बोला क्योंकि ये काम पहले हुआ था,
और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो काम पहले गुजरता है उसे किसी भी सूरत में आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म के मदद से बोलना है, और जो काम बाद में गुजरता है उसे किसी भी सूरत में आप सिर्फ सेकेंड फॉर्म के मदद से ही बोलेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर आपको कहना हो, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द थीफ हैड रन अवे, यानी चोर भाग चुका था। मैंने चोर भाग चुका था इस सेंटेंस को सबसे पहले ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये काम सबसे पहले हुआ है, यानी भागने वाला काम पहले हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस में मैंने हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, क्योंकि जो काम पहले होगा उसे आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म से ही ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे बिफोर, फिर आप पुलिस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यानी आप कहेंगे द पुलिस केम। मैंने इस सेंटेंस को सेकेंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। तो पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, पुलिस के आने के बाद चोर भागा, तो इस सेंटेंस में पुलिस के आने का काम पहले हुआ, इसलिए इस सेंटेंस को आप थर्ड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, और चोर को भागने का काम बाद में हुआ, इसलिए आप इसे सेकेंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। और चूंकि दोनों सेंटेंस के बीच में आया है बाद, इसलिए जो काम बाद में गुजरा है उसका ट्रांसलेशन आप एक नंबर पे करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो काम बाद में हुआ वो था चोर का भागना, आप कहेंगे द थीफ रन अवे। उसके बाद आप कहेंगे आफ्टर, फिर आप कहेंगे द पुलिस हैड कम। आप द पुलिस हैड कम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये काम पहले गुजरा था, और जो काम पहले गुजरे उसे हैड के साथ थर्ड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के काम का जिक्र किया जाता है, और एक काम को हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे काम को सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट किया जाता है। जो काम पहले गुजरता है उसे कभी भी आप थर्ड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में गुजरता है उसे कभी भी आप सेकेंड फॉर्म के मदद से ही ट्रांसलेट करेंगे। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन सा सेंटेंस कब ट्रांसलेट करें, तो दोनों सेंटेंस के बीच में आए पहले या बाद इस बात को जाहिर कर देते हैं। अगर दोनों सेंटेंस के बीच में आया है पहले, तो जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले होगा, लेकिन अगर दोनों सेंटेंस के बीच में आया है बाद, तो जो काम बाद में गुजरा है उसका ट्रांसलेशन आप पहले करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आपने शानदार तरीके से सीखा। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।